दोस्तों लास्ट वीडियो में जो है हमने बात किया था टॉप 15 गवर्नमेंट एमएससी कॉलेजेस, या मेडिकल वाले हो या साइंस वाले, दोनों के लिए हमने बात किया था। जो भी 15 कॉलेज थे उसमें जितने भी एमएससी कोर्सेज होते हैं वो रिलेटेड हो बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टेटिक्स, कार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियो से या माइक्रोबायोलॉजी से या फिजियोलॉजी से, जो भी कोर्सेज है सब अवेलेबल थे सब कॉलेज में। तो हमने उसके बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक के नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो वॉच कर ले, हो सकता है किसी का फॉर्म भी आ गया होगा अभी तक के, तो वो आप जाकर वॉच कर ले। इवन BHU का फॉर्म आने वाले हैं इसी मंथ में अप्रैल में, और भी बहुत सारे कॉलेजेस का फॉर्म आएंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के फॉर्म आएंगे इसी मंथ में MSc के लिए। तो आप लोग वीडियो जाकर वॉच कर ले और उनके वेबसाइट विजिट करते रहे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए आप ऊपर आई बटन में भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज जो है MSc के लिए, मेडिकल फील्ड हो या साइंस फील्ड हो, जो साइंस से आते करके जो केमिस्ट्री या जूलॉजी बॉटनी वगैरह से करके आते हैं BSc वगैरह, उनके लिए सब फील्ड के लिए हम बात करेंगे। तो आज जो है हमारा प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं MT इंजमाम शादिक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पैथो ट्यूटोरियल में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर जरूर फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें @PathoTutorial। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारा जो पहला कॉलेज का नाम है वो फर्स्ट प्राइवेट जो कॉलेज है वो NIMS है, जो कि जयपुर में है। NIMS यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से, जयपुर में है ये, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप वहाँ पर जाकर एक बार विजिट भी कर सकते हो अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है। एडमिशन विजिट करने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उससे कुछ नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कहीं भी मत देखो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है मगर उसको साइड में रखकर थोड़ी सी आप वहाँ के जाकर MSc के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, जो फर्स्ट ईयर में होंगे या जो सेकेंड ईयर में चले गए होंगे, उनसे बात करो आप MSc की, यहाँ की पढ़ाई कैसी है, यहाँ पर फैकल्टीज़ कैसी है, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वगैरह होती है वो कैसी होती है, ये आप जब कॉलेज विजिट करने जा रहे हो तो ये आप पता करो। हमने लास्ट वीडियो अपने टॉप 5 पैरामेडिकल बनाया था, तो वहाँ पर भी टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज का बनाया था सॉरी, तो वहाँ पर भी हमने ये बात बताया था आपकी कि आप अगर कोई कॉलेज में विजिट करने जा रहे हो तो वहाँ पर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर उसकी अच्छाई मत देखो। आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी चीज़ में जाओ, तो अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो सामने वाले आपको अपनी अच्छाई बताएगी, ना कि वो अपनी बुराई बताएगी, बस आपको उसकी बुराई देखना है। तो बस आप जाइए कॉलेज विजिट करिए और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करिए। दूसरा नंबर जो हमारा कॉलेज है वो SRIHER चेन्नई है। ये भी यूनिवर्सिटी, ये भी जो कॉलेज है वो बहुत अच्छी कॉलेज है। मेरे पास टोटल लिस्ट पड़े हुए जो हमने बनाया था गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के, लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था, तो वो लिस्ट जो है मैं वीडियो जब तक आएगी तब तक अपलोड कर दूंगा अपने वेबसाइट पर, इसीलिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर आप हमारे वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर अपने मेल से लॉगिन करके, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ये तो नेसेसरी है, आप कर लेंगे तो हमें खुशी होगी बहुत। तीसरा नंबर जो है सर हमारा कॉलेज है वो अमेरिटी यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, इवन इसकी एडवर्टाइजिंग तो बहुत ज़्यादा होती है आपको पता होगा, और इसकी ब्रांचेस भी बहुत जगह हैं, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। MIT यूनिवर्सिटी गूगल पर करके मार लिखो आप, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। चौथा नंबर जो यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। चौथा नंबर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसकी भी नाम बहुत अच्छी खासी है, आप इसको भी देख सकते हो। जो भी मैं कॉलेज का लिस्ट बताऊंगा अभी 10-12 कॉलेज के नाम हम अपन लेंगे, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। वो सब कॉलेज और सब यूनिवर्सिटी जो भी है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप उसके वेबसाइट पे विजिट कर लो और उनके क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अपन को MSc में एडमिशन लेना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या वो मांगते हैं MSc में एडमिशन के लिए, तो वो सब भी जान लें कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको, और देखते रहे आप रेगुलर विजिट करते रहे कब आपके फॉर्म की डेट आ जाए। तो ऐसे तो डेट आएगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूँगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लें हमें, ताकि आपको मैसेज मिल जाए, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।
दोस्तों अगर आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट हो लाइक कि BMLT, DMLT, CMLT या पैरामेडिकल के अन्य फील्ड नर्सिंग रेडियोलॉजी OT टेक्नीशियंस जो भी होते हैं फार्मेसी वगैरह इन सभी से रिलेटेड या MBBS से रिलेटेड NEET के प्रिपेयर के लिए बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाएँ और बुक परचेज करें ऑनलाइन, आपको बहुत ही किफ़ायती प्राइस में वहाँ पर बुक्स मिल जाएंगे। वैसे भी अभी ऑफलाइन स्टोर वगैरह बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो बेटर है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करें, आप ऑफलाइन से बेटर है ये। तो ऐसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने का मतलब कि आप घर पे रहेंगे, घर पे भी आपको सब कुछ डिलीवर हो जाएगा, ऑफलाइन का मतलब कि आपको आउटसाइड बाहर जाना पड़ेगा, जो कि बाहर जाना भी सेफ नहीं है। आप जान रहे हो कोविड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर डे 1.5 लाख केस निकल रहे हैं इंडिया में, तो आप देख सकते हो। अगर आपको लैब टेक्नीशियंस, नर्सिंग, GNM, ANM, रेडियोलॉजी, OT टेक्नीशियन इन सभी की कंपटीशन बुक्स चाहिए, कंपटीशन एग्जाम जो कि लाइक MCQs होते हैं जिसमें क्वेश्चन बैंक अपन बोल सकते हैं उसको, 10 साल 15 साल का क्वेश्चन बैंक होते हैं, तो उस सब बुक्स चाहिए, उस टाइप की बुक्स चाहिए, तो उसके भी लिंक जो हमने बेस्ट बुक सेलेक्ट किया जिसमें से आपको 70-80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी होते हैं गवर्नमेंट लेते हैं उसमें आने का चांसेस है, तो वो बुक हमने सेलेक्ट करके आपको उसका लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाकर परचेज कर सकते हैं उसका। दोस्तों अगर आपको MSc से रिलेटेड बुक्स चाहिए तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो उसके लिए बुक्स चाहिए, जो जूलॉजी वगैरह, बॉटनी वगैरह, फिजियोलॉजी वगैरह जिसका भी बुक चाहिए, वायरोलॉजी वगैरह के, तो उस सब के बुक्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर सारी बुक्स परचेज कर सकते हैं जो कि अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं जो अच्छे राइटर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, वो सारी बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने ऐसी बुक्स कलेक्ट नहीं किया, हमने हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे भी बात किया है जो अभी तक MSc कर रहे हैं या करके निकल गए हैं, उन सबसे बात करके, जो भी हमारे दोस्त वगैरह हैं उन सबसे बात करके तब हमने सिलेक्ट करके ये बुक आपको बता रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हम अपने अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला कॉलेज जो है सो वो SRM पुणे है। SRM पुणे के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी कॉलेज है इसके, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर विजिट करें। यदि आप इस कॉलेज के आसपास रहते हो तो इस कॉलेज में जाएं, विजिट करें, वहाँ के MSc स्टूडेंट से मिले, आप कॉलेज जो रिसेप्शन पे जाते हो जो बात करते हो आप उनसे तो करें जो भी करना है आपको कॉलेज वाले से, और साथ ही साथ आप उनके स्टूडेंट से ज़रूर मिले, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, ये आप लोग जरूर फॉलो करें ये जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो हमारा कॉलेज है वो डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई, इसके बारे में DY पाटिल यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये हमारा 7वां यूनिवर्सिटी है, हमने उधर 4 को बात कर लिया था, तो 7वां यूनिवर्सिटी जो है हमारा वो मणिपाल यूनिवर्सिटी है जो कि जयपुर में है, मणिपाल में भी, मैंगलोर में भी है, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और गीतांजलि यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख सकते हो जो कि उदयपुर में है, ये हमारी 8वीं नंबर कॉलेज थी। अगला कॉलेज का नंबर है वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, अगला कॉलेज ये जो है सो यूनिवर्सिटी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, आप इसको भी देख सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और लास्ट नंबर जो है हमारा वो टाटा ग्रुप इंस्टीट्यूशन है जो कि टाटा के द्वारा संचालित किया जाता है, टाटा ग्रुप्स के द्वारा, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो आप। दोस्तों इन कॉलेजेस की फ़ी जो है सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वो आपको पता है कि थोड़ी सी महंगी रहती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वहाँ जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको ये नहीं हो रहा है कि आपको मन है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूँ, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कौन से गवर्नमेंट कॉलेज लूँ, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को जाकर विजिट करें जो हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था, वो वीडियो टॉप 15 गवर्नमेंट कॉलेज जो कि MSc के लिए है स्पेशली, वो जाकर आप विजिट करें। आप आई बटन में भी जा सकते हो और साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, जो भी है हमारा हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम नोट्स पर वीडियो ले आए जो कि या तो एंटीकोगुलेंट या हैंगिंग ड्रॉप प्रिपेशंस या आपको WBC भी मिल जाएगा इस पर, या WBC निवास चैम्बर जो होते हैं, निवास चैम्बर जिसमें अपन RBC WBC प्लेट्स वगैरह ये सब काउंट करते हैं, तो उस पर मिल जाएगा अपन को। तो देखते हैं किसी एक टॉपिक पे अपन वीडियो बनाते हैं आपके लिए, हो सकता है ये जो वीडियो अगला जो वीडियो वो फेस के द्वारा नहीं हो, वो अपन किसी स्लाइड पे समझाएंगे आपको या बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे वगैरह पे अपन बताएंगे या व्हाइट बोर्ड पे, तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ये सब जो आएगा सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल करना पड़ेगा। और दोस्तों आप जो है, और दोस्तों इसके एक व्हाट्सएप ग्रुप थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, मगर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ
फालतू लोग ऐड हो गए थे जो कि कुछ भी अनाप शनाप वीडियो वगैरह जो भी मैसेज फॉरवर्ड करने लगे, इसीलिए हमने वहाँ से भी लिंक हटा दिया है और यहाँ पर भी हम लिंक नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के पे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गाइज प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। जय हिंद, जय भारत।